हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा पहला वीडियो में, जिधर मैं आपका होस्ट जटायु आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे पोकेमोन यूनाइट है जो गेम, उसको खेला जाता है। इधर मैं आपको बेसिक में समझाऊंगा कि कैसे गेम को है खेला जाता है, और एडवांस में नहीं बताऊंगा, एडवांस में आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे खेला जाता है, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। ठीक है, चालू करते हैं। तो गाइस, हम जैसे अपना प्रोफाइल पे टैप करेंगे, हम जाएंगे पोकेमोन सेक्शन में, जिधर आप हमको देखने मिलता है बहुत सारा पोकेमोन, और जो ब्लैक शेड में है वो सब मेरे पास नहीं है, अभी भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास पोकेमोन। और जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, वो ट्रेवेनेंट है, वो एक डिफेंडर पोकेमोन है, और उसका अलग अलग तरह का डिफेंडिंग एबिलिटी होता है। और ये विनोसॉर है, इसका है अटैकर, इसका अटैकिंग और इसका जो डैमेज होता है अटैकिंग का वो ज़्यादा होता है। और ये हुपा है, हुपा होता है एक सपोर्टर पोकेमोन, जो अपना अटैक से आपको सपोर्ट देगा, जो अटैकर है और डिफेंडर है उसको सपोर्ट देगा, उसको मरने नहीं देगा। और जैसे इधर देख रहे हो आप, इधर बहुत सारा पोकेमोन है, और ये है जेरोरा, ये होता है स्पीडस्टर, जो मेनली ऑफेंस पे काम आता है, और इसका जो है डैमेज ज़्यादा रहता है। और इस पर आप अलग अलग तरह के बिल्ड्स लगा सकते हो, जो बिल्ड्स है स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, फोकस बैंड, मजल बैंड और बॉडी बैरियर, ये अलग अलग बिल्ड का अलग अलग काम होता है। जैसे कि कोई बिल्ड आपका पोकेमोन का एचपी बढ़ाता है, कोई बिल्ड आपका पोकेमोन का डैमेज बढ़ाता है, कोई बिल्ड आपका पोकेमोन का क्रिटिकल हिट बढ़ाता है। सभी बिल्ड का अलग अलग तरह का काम होता है, जो अलग अलग पोकेमोन पर लगाया जाता है। डिफेंडर पर कोई बिल्ड लगता है तो अटैकर पर कोई बिल्ड लगता है, और ऐसे सपोर्टर पर कोई बिल्ड लगता है तो स्पीडस्टर पर कोई बिल्ड लगता है, ऐसे चीज़ होता रहता है। और ये जो आपको बिल्ड होता है, जो लेवल 1 का मिलता है, उसको आपको अपग्रेड करके लेवल 30 तक ले जा सकते हैं आप बिल्ड को। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, स्पेक्टेट में जाएंगे। स्पेक्टेट में जाने के बाद क्या करेंगे कि इधर जो स्पेक्टेटिंग, इसमें जो टॉप रैंक वाला प्लेयर है दिखा रहा होगा आपको, इधर रैंक मैच का टॉप प्लेयर होता है, इधर कोई रोजू नाम का बंदा है जो 2 मिनट से मैच में है, हम क्या करते हैं उसको स्पेक्टेट करते हैं। और आपको दिखाता हूँ इधर उसको स्पेक्टेट करने के बाद कैसे पोकेमोन का मैच जो है खेला जाता है। ठीक है गाइस, पोकेमोन यूनाइट एक 5-man गेम है, जैसे पबजी में 4v4 TDM होता है, और इधर 5 बंदे होते हैं जो मिक्स अलग अलग रोल के पोकेमोन को लेके खेलते हैं। जो पोकेमोन के ऊपर आपको ग्रीन बैट दिखा रहा है, वो शो करता है कि पोकेमोन का एक्सपीरियंस क्या है, और उसके नीचे कभी कभी उसका अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज होता है, जैसे कि एक्सपीड और एक्स अटैक वगैरह, जो इन डैमेज और स्पीड बढ़ाता है पोकेमोन का। मैच जो है अपना चालू हो चुका है, और मैं आपको समझाता हूँ कैसे खेला जाता है। हम जिस ट्रेनर को स्पेक्टेट कर रहे हैं, वो ड्रैगनाइट लेके खेल रहा है, जो कि एक ऑलराउंडर होता है, और ये अर्ली फॉर्म है उसका लेवल 1 का, और जंगल गया है जंगलिंग करने। ठीक है, फॉर्मिंग बेसिकली ये चीज़ होता है कि आप 5 बंदे खेल रहे हो, 5 बंदों में क्या होता है कि देखना, इधर समझाता हूँ आपको, मैप में आप 5-man टीम खेल रहे हो, और जो इधर वगैरह जो मैप में ग्रीन तरह का आएगा, देखो इधर जो होता है ना, इन सबको फॉर्मिंग बोलते हैं, और ये होते हैं वाइल्ड पोकेमोन, जो इधर इधर और इधर वगैरह फॉर्म होते हैं। हर एक वाइल्ड पोकेमोन का हर एक पॉइंट मिलता है आपको। ठीक है, अभी ये बंदा लेन पे जा रहा है, इसको बोलते हैं लेन, ये टॉप लेन होता है, बॉटम लेन होता है, और इसको मिड वाला लेन को बोलते हैं जंगल। ठीक है, आपको एक जंगलर रखना होता है इसमें, जो जंगलर होता है कभी कभी स्पीडस्टर होता है, कभी कभी ऑलराउंडर होता है, या कभी कभी अटैकर होता है, सपोर्टर बीच में जंगलिंग नहीं जाता। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, जंगलर को क्या करना होता है कि ऊपर नीचे जाते रहना होता है, बीच का जो भी फॉर्मिंग आता है उसको लेके या तो ऊपर या तो नीचे जाना रहता है। अभी जंगलर कैसे डिसाइड करता है उसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, इधर एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, देखना इधर ये लोग क्या कर रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं एक डिफेंडर, देखना डिफेंडर जा रहा है, डिफेंडर के साथ जा रहा है एक सपोर्टर विगलीटफ, और उसके साथ जा रहा है क्रेमोरेंट होता है अटैकर। इनका क्या स्प्लिट है, ऊपर वाला बंदा जो भी है जो करेगा सोलो टॉप मतलब अकेला संभालेगा, उसको कोई चिंता नहीं है कि ऊपर वाला बेस टूटे या ना टूटे, उसको क्या करना है ओपोनेंट को होल्ड करके रहना है, ऊपर वाले 2 ओपोनेंट को जो है होल्ड करना है। और बीच वाला जंगलर क्या करेगा, बीच का जो भी बर्फ होता है, जो उसका 4 पॉइंट है, और इधर का है इसका बुल का 4 पॉइंट, ऐसे क्रैप्स का 3 पॉइंट है, ऐसे ऐसे जंगल करता रहेगा और लेवल अप होगा। जंगल करने से आपका लेवल अप होता है, मतलब जंगल मतलब वाइल्ड पोकेमोन को मारने से आपका लेवल अप होता है, और जो जंगलर होता है जो टॉप लेन पे आएगा सीधा टॉप लेन पे जाएगा, देखना ऐसे ऐसे करते टॉप लेन जाएगा। और आप इधर देख सकते हो कि माजन क्या कर रहा है, स्टैगिंग कर रहा है, और स्टैगिंग मतलब होता है पॉइंट डालो उनके गोल बेस में।
ठीक है, अगर इधर पोकेमोन यूनाइट में आपको करना क्या होता है एग्जैक्टली भाई, पोकेमोन यूनाइट में जो है कि फिर से समझाऊं तो मैप दिखा के समझाता हूं। देखो अपना 6 गोल होता है, 6 गोल बेस होता है, जो एक ये पर्पल कलर का जो है आपका है, एक ये और एक नीचे का है, और 2 ऊपर 2 नीचे होता है बेसिकली, और एक एक गोल बेस में 100 पॉइंट लगता है, और मिड में जो है तुम जितना मर्जी उतना पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है, ऐसा सीन होता है इसमें। अगर आपको क्या करना है, आपको वाइल्ड पोकेमोन मारने से और जो ओपोनेंट का पोकेमोन होता है उसको मारने से आपको थोड़ा बहुत पॉइंट मिलता है, और पॉइंट आपको सीधा आके इसमें डालना होता है गोल बेस में। जैसे ही ये पॉइंट डालेगा, इधर आके दिखाता हूँ आपको स्लो करके, अगर इधर मार रहे हो 3 बंदे टॉप पे और इन्होंने पॉइंट कर दिया 6, और ये हो गया देख लेता हूँ 27 पे आ गया। ऐसे ऐसे करते क्या करेंगे, ऊपर वाला बेस तोड़ देंगे, तो इधर 100 पॉइंट डालने के बाद ये बेस टूट जाएगा, ये बेस टूट जाने के बाद इसको तोड़ेंगे, फिर आएगा ये वाला बेस, इसमें तुम जितना मर्जी उतना पॉइंट लगा सकते हो, ये 100 डालने से नहीं टूटेगा, ठीक है। और नीचे नीचे भी यही सीन होता है, नीचे भी ये 3 बंदे सोलो मतलब 3 बंदे बॉटम डिफेंड कर रहे हैं, 3 बंदे क्या करेंगे कि सामने के 2 बंदे आएंगे, या नीचे भी सामने के 3 बंदे मतलब जंगलर जो है मिड में आ गया, उनका जंगल करके नीचे आ गया डोमिनेशन करने के लिए, इनको मार के इधर का बेस तोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे तोड़ते तोड़ते दोनों साइड का बेस टूट जाएगा 10 मिनट में, आपका पोकेमोन लेवल अप होता रहेगा और उसका नया नया अटैक खुलते रहेंगे, उसका यूनाइट आता रहेगा, करीब करीब एक पोकेमोन का एक मैच में 3 से 4-5 बार यूनाइट आ जाता है, और आपका पोकेमोन और आपका अटैकिंग और बिल्ड पे डिपेंड होता है कि आपका यूनाइट कैसे आएगा और क्या चीज़ होता है। हर एक लेवल मतलब ऐसे 7 लेवल पे कभी कभी एक पोकेमोन अपग्रेड होता है, 8 लेवल पे एक पोकेमोन अपग्रेड होता है, आपको मिनिमम 9 या 8 लेवल पे आपका यूनाइट मिल जाता है। यूनाइट एक ऐसा अटैकिंग होता है कि बहुत पावरफुल अटैक होता है, और एक यूनाइट से आप 2 से 3 ओपोनेंट के पोकेमोन को ऐसे लुटका सकते हो, ठीक है। और जो डिफेंडर होता है वो जल्दी से मरता नहीं है, वो डिफेंडिंग करके रहता है, अटैकर है वो जल्दी मर जाता है, सपोर्टर भी जल्दी से मरता नहीं है, आपका सपोर्टर जो है जो भी अटैकर है या डिफेंडर या सामने उसको सपोर्ट देता रहता है, मरने नहीं देता है, समझ रहे हो ना। अभी पूरा मैच देखेंगे कैसे चलेगा, अभी हम देखने वाले हैं कि अपना टीम का ड्रैगनाइट का पर्सपेक्टिव, ठीक है। अपना ड्रैगनाइट है जो इधर देखो फॉर्म कर रहा है, फॉर्म करेगा सीधा जंगल गया, अपना जंगल है, जंगल का पूरा फॉर्म उठाएगा, अभी पूरा जंगल उठाया इसने, धूल को मारा सब देखा, और देख रहा है कि नीचे ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ऑब्जेक्टिव जो है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, जो देखना इधर दिखा रहा है द राइट साइड ऑफ द टीम, उसने ड्रेड को ले लिया, इसको बोलते हैं डेंड्रू। डेंड्रू का मतलब ये होता है कि जैसे आपका लेवल 6 का पोकेमोन है, अगर आप ड्रेड लोगे तो आपका लेवल अप होगा, लेवल अप होगा, और आपको एक टेम्पोरी शील्ड मिलेगा, ठीक है, एक टेम्पोरी शील्ड मिलेगा। अगर अभी सामने वाला टीम जो है ड्रेड ले लिया, ड्रेड पे हमेशा ऐसे ही सीन होता है, झगड़ा होता है दोनों टीमों का, सिर्फ ड्रेड ले लिया, अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर होता है, ऊपर आता है रोटम, इसको बोलते हैं रोटम, ठीक है। ये क्या चीज़ होता है कि इसको आप सिक्योर कर लिए, ये जाके घुसता है उनका बेस में, इस वाला बेस में घुसता है, दिखाता हूँ आपको, तो ये मार रहा, पर्पल टीम वाले मार रहे, पर्पल टीम वाले मार दिए, तो ये क्या करेगा, इसमें आके घुसेगा, ओपोनेंट टीम वाले क्या किए, इसको घुसने नहीं दिए, अगर ये घुस जाता तो क्या होता है कि आप जो स्कोरिंग का टाइम होता है, जो आप स्कोरिंग पर टैप करके रखते हो और वो स्कोर हो जाता है, वो टाइम हट जाता है, सीधा एकदम से आपके पास जितना भी स्कोर है वो लग जाता है, और ओपोनेंट टीम वाले आके इसको डिफेंड कर लिए इनके बेस को। अभी ओपोनेंट टीम वाले क्या करेंगे, सामने का एक डिफेंडर है और एक अटैकर है, ठीक है, ये 3 बंदे हैं, एक डिफेंडर है, एक ऑलराउंडर है और एक अटैकर है, ऑब्वियसली इनका ताकत ज़्यादा है इधर रेड टीम का, ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे इसको, देखना अभी सामने वाले टीम पर्पल वाले टीम वाले सब असेंबल नहीं हो रहे, एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे और मर रहे, ऐसा सीन होता है। अभी देखना माचा ओपोनेंट टीम का, ऐसे ही सीन है, सीधा नीचे का, नीचे ड्रेड आया था, ड्रेड क्लियर किए, फिर इधर उधर का फॉर्म उठाया, नीचे का बेस तोड़ दिए, नीचे का बेस तोड़ने की कोशिश हो रहा है इधर, ठीक है, और इतने टाइम पे आ गए ऊपर रोटम, इन्होंने नीचे का डिफेंड कर लिया पर्पल बेस वाले, और रेड बेस वाले भी डिफेंड किए, रेड बेस वाले ने क्या किया, पर्पल टीम उनको डोमिनेट कर दिया, पर्पल टीम का तोड़ भी दिया, और ऊपर क्या कर रहे हैं माचा जो सिक्योर करने गया था, अभी सरीना है उधर, सरीना होता है एक अटैकर, वो सिक्योर करने गई है ऊपर, सरीना के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं, ड्रैगनाइट ने क्या किया, फिर से सिक्योर किया और ये सब सिक्योर किया और इधर आ गए, उन्होंने डिफेंड भी कर लिया उसको। बीच में आया जेप्टोस, जेप्टोस एक ऐसा वाइल्ड पोकेमोन है जिसको मारने से आपके सभी टीममेट को पॉइंट मिलता है, कुछ कुछ पॉइंट मिलता है, और क्या होता है कि जेप्टोस आपको आपने जैसे जेप्टोस को क्लियर किया, अगर आपने जेप्टोस को क्लियर किया तो क्या होता है कि जो ये सब गोल बेस जो बचा हुआ है ना, इन सबका टाइमर खुल जाता है, मतलब
जो काम रोटम से एक बेस से होता था, रोटम सीधे एक बेस में घुसता तो घुसेगा कि आप जितना चाहिए उतना स्कोर कर सकते थे, अगर 100 हो गए तो फट जाता था। अभी सेम चीज़ होता है सभी बेस के साथ, ठीक है। आप कितना भी पूरा मैच डोमिनेट कर लो, अगर आप एंड में जेप्टॉस ना ले पाए तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम हार जाते हो गेम, ठीक है भाई। इसको मैं स्लो पे है, इसको वन पे करके दिखा दूँ। देखो रेड टीम वाले मार रहे हैं और अपोनेंट टीम तो कोई नहीं आया पर्सनल टीम वाला मिड में डिफेंडिंग के लिए। ये इनका गलत है सिचुएशन, देखो ये सब ऊपर जा रहे हैं, ये लोग ये गलत कर रहे हैं। और बीच में जो है सामने वाले टीम के पोकेमोन है सिक्योर करने में लगे पड़े हैं जेप्टॉस को। ऊपर ये इन्होंने क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है देखना। और इसने यूनाइट भी दे दिया, पूरा पूरा डोमिनेट कर रहे हैं रेड टीम वाले। ब्लू टीम वाले क्या हो रहा है, किश्तों में आ रहे हैं सिंगल 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 और मर रहे हैं। रेड टीम वाले डोमिनेट कर रहे हैं और इनका जो है ग्लेशियन ये सिक्योरिंग कर रहा है। ये आइडिया इनका अच्छा है, देखना अभी रेड टीम वाले सिक्योर कर रहे हैं। ओपन इनका ड्रैगनेट आया, ड्रैगनेट आया, ड्रैगनेट सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है और ड्रैगन सिक्योर करने की कोशिश किया लेकिन नाकामयाब हो गया। अभी क्या हुआ कि सभी सभी बेस में टाइमर आ गया, देखो 23 23 23। इसके पास जितना पॉइंट है आएगा ये एक सेकेंड में डालेगा 50। और दूसरी बात ये है कि आप 50 पे स्कोर करोगे, 50 का स्कोर करोगे तो वो डबल हो जाएगा जेप्टॉस मारने से। आप 50 डालोगे तो एक बल्कि 100 लगेगा, ठीक है, समझ जाओ ना, ऐसा सीन रहता है। अभी ये क्या हुआ कि इतना डोमिनेशन हो गया कि जो हम जिसको स्पेक्टेट कर रहे थे जो टॉप टीयर और प्लेयर है बोलते वो हार गया उसका टीम और रेड टीम है वो जीत गया। इधर बैटल का डाटा है, इधर आप देख सकते हो बैटल डाटा में कि ये होता है किल, ये होता है किल, तीन किल इसने किया, तीन किल इसने किया, एक किल इसने किया, पांच किल इसने किया, तीन किल इसने किया। और ये होता है असिस्ट, 6 असिस्ट इसने दिया, 2 असिस्ट इसने दिया, 4 असिस्ट इसने दिया, ठीक है। और इनका जो भी मूव सेट लिया था वो आप देख सकते हैं इधर, ठीक है, डिटेल्स में इसने कितना डैमेज दिया है, ठीक है, कितना डैमेज दिया है। ये ओपोनेंट को पोकेमॉन को $70,000 डैमेज दिया है और 76,000 का मार खाया है ओपोनेंट के पोकेमॉन से। ये रिकवरी होता है अगर आप आपका हेल्थ लो है और आप होम का बटन होता है, होम का बटन दबाओगे सीधे होम पे जाओगे तो ये उसका रिकवरी होता है। और इधर देखना इसे ये पोकेमॉन है जो अपने टीम को रिकवर करता रहता है, इसने डिफेंडिंग भी किया है और इसने इधर रिकवर भी किया है 141,000 का यूज है इसने, देख रहे हो ना। ये होता है पोकेमॉन यूनाइट का टॉप प्लेयर वाला। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पोकेमॉन यूनाइट चलता है और उसका गेम कैसे खेला जाता है। और खाली ये इतना ही नहीं है, इसमें और भी है जैसे कि इसमें स्किन्स वगैरह है और इसमें आप पोकेमॉन का स्किन खरीद सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इधर आप पोकेमॉन खरीद सकते हो, इतने सारे पोकेमॉन हैं। और एओस कॉइन से आप पोकेमॉन खरीद सकते हो, एओस एम्पोरियम में आप क्लॉथ्स वगैरह खरीद सकते हो, सूट्स वगैरह खरीद सकते हो, फैशन आइटम्स वगैरह खरीद सकते हो, एओस टिकट से आप आइटम एनहांसर वगैरह खरीद सकते हो। और जिको ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हो कि पोकेमॉन का जो स्किन होता है उसको खरीद सकते हो। और जो मैंने इधर डाउनलोड नहीं किया डाटा, इसके स्किन्स जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे स्किन्स में देखने मिलते हैं और इसका VFX भी स्किन्स का बहुत तगड़ा है। और इसमें रैंकिंग सिस्टम वगैरह है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो पहले आता है बिगिनर, ग्रेट, एक्सपर्ट, वेटरन, देन आता है अल्ट्रा, फिर आता है मास्टर, मास्टर यानी कॉनकरर आपके BGMI के भाषा में, ठीक है, ये होता है कॉनकरर। और मैं लगभग अभी सीज़न आके 2 से 3 दिन हो गए, 2-3-4 दिन हो गए और मैं 2 दिन में आ गया था मास्टर में, वर्ल्ड रैंकिंग में 5,000 रैंकिंग में था मैं। और ऐसा चलता है पोकेमॉन यूनाइट का सीन। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ अंदाज़ा आ गया कि पोकेमॉन यूनाइट कैसे खेला जाता है तो सपोर्ट करो पोकेमॉन यूनाइट गेम को और इंडिया में ग्रो करने के लिए आपके दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर दो। और आपका जो भी थॉट्स है पोकेमॉन यूनाइट के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट में हमको बता सकते हो। और आपको ऐसे अच्छे अच्छे अगले वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पोकेमॉन यूनाइट के रिलेटेड और भी एडवांस वीडियोस जो होता है मैं आपको आने वाले टाइम पे बता दूंगा, ठीक है, थैंक यू।